जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज मेरा मूड है कुछ ऐसी चीज़ बनाने के लिए जो कि बिल्कुल नकारा पड़ी हुई थी। इसको कोई भी नहीं खा रहा था क्योंकि जितने क्रेसॉन थे सारे खाए जा चुके थे। ये बेचारे पड़े सूख रहे थे और कोई वईद नहीं था कि इनको फेंक दिया जाता। मैंने कहा ठहरो ज़रा, मैं इससे आपको एक क्या मज़ेदार चीज़ बना के दिखाती हूँ। अच्छा, बचे हुए आपके पास दो तीन चार जितने भी क्रेसॉन हो, इस वक्त सिर्फ दो बचे हुए हैं। इसको क्या करना है, आपने ये मैं यहाँ रखती हूँ, क्रेसॉन को आप तोड़ के ना ऐसे एक प्याले में डाल दें, यूं 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 यूं, और ये दोनों के दोनों क्रेसॉन जो के अब कोई इनको लिफ्ट नहीं करा रहा था, तो मैंने कहा देखे मैं आपको क्या मज़ेदार चीज़ बना के दिखाती हूँ। इनसे ये आपने तोड़ के डाल दिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आप हसबे जायका चीनी डालें। देखे मैं कितनी डालती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ टीस्पून मैंने चीनी की डाली है। वैसे इनकी चीनी इतनी मीठी नहीं होती, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल फीकी सी चीनी होती है। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर डालना है दूध, दो कप के करीब आप इस पर दूध डाल दें। ये हमने दूध डाल दिया, इसको सोक कर दिया, फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल दें आप, फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल दिए, ऑस्ट्रेलियन वनीला एसेंस के, और इसको खोलना है, कैसे खोलना है, यूं यूं जी, और दो टीस्पून आप ले लें मक्खन की, वो इसमें डाल दें, ठीक है। ये हमने डाल दी, अब क्या करना है, हमने इसको यहाँ रख देते हैं, दो अंडे तोड़ते हैं, ठीक है। ये दो अंडे हमने तोड़ लिए, इनको लेते हैं फैन, और इनको भी हम डाल देते हैं इसके ऊपर। इसमें डालती हूँ थोड़ा सा दूध ताकि जो बाकी अंडे लगे रह गए हैं ना वो भी साफ हो जाए। दूध डाल दिया, इसको लांच देते हैं, ये इधर चला गया, और अब इसको आप डिप करते हैं इसमें, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल मलीदा नहीं करना, आपने बस थोड़ी देर सोक करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, और उसके साथ मैं ओवन को भी ऑन कर दूँ। आपने एक ओवन प्रूफ डिश लेनी है, ये देखें ये डिश ले ली, इसके अंदर मैंने बटर या ऑयल जो भी आपके पास है आप वो लगाएं। इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह फेंट लें, ठीक है। 10 टीस्पून चीनी, दो अंडे, दो क्रेसॉन और दो ही कप दूध के, वो हमने इसमें डाल दिए।
यही। जी अब इसके ऊपर ना ये फ्लेक्ड आमंड्स छिड़कते हैं। अगर आपके पास इस तरह के नहीं है, यहाँ तो ये बने बनाए मिल जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बादाम पिस्ता जो आपके पास है उसको छिड़कते हैं, ठीक है। और इसको ओवन को मैंने कर दिया है ऑन 180 पे। जी पुडिंग हमारी हो गई है तैयार। और देखें दो अदद क्रेसॉन्ट जो बिल्कुल आई थिंक के इन्होंने ज़ाया जाना था, उनकी मैंने इतनी मज़ेदार सी पुडिंग बना दी है। और इसी तरह किसी ना किसी बची हुई चीज़ से अगर कुछ आप नया बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आज मैंने एक और आज चीज़ बनाई है, वो भी एक लेफ्ट ओवर चीज़ से बनाई है। एक बैंगन बचा हुआ था जिसका कुछ भी नहीं बनना था, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उस पर सफ़ेद ज़ीरा डाला, जब वो कड़कड़ा गया तो उस बैंगन को काट के मैंने डाला, साथ दो टमाटर डाले, नमक डाला और क्रश्ड उसके ऊपर मैंने मिर्चें डाली, बिल्कुल वो पक गए, नरम हो गए। तो सेंटर में मैंने एक अंडा तोड़ के डाल दिया, ठीक है। और ये हमारे बन गए मज़ेदार किस्म के बैंगन, जो कि आपको पता है यहाँ बैंगन भी जहाज़ी साइज़ के हैं। और ये एक बैंगन से देखो कितना सालन तैयार हो गया, ठीक। उसमें अंडा डाला तो ये कुछ शाशुका की बहन बन गई। शाशुका में चार अंडे डालते हैं, इसमें मैंने एक अंडा डाला तो ये एक मिनी शाशुका बन गया, ठीक है। ओके आप भी इस तरह चीज़ों को नया नया अगर रूप दे दें तो वही चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं।